Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today I would like to tell you a few things about discharge plan letters. See, discharge plan letters are very simple. You need to understand what one thing. Discharge plan means, again, I have told so many times, but I won't mind writing it again, because writing is a practice. What is discharge plan? That the patient is getting discharged and we have a plan to follow for the speedy recovery of the patient. पहले तो आप ये समझो कि वो कह रहा है discharge plan letter में कि patient is getting discharged. तो patient हो रहा है discharge और patient को हमें एक plan है जो follow करवाना है ताकि उसकी speedy recovery हो. अब follow किससे करवाएंगे? जिसको हम letter लिख रहे हैं. तभी मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, जिसको हम letter लिख रहे हैं वो सबसे important चीज़ है. To whom we are writing the letter. So समझो कि most of the times OET paper में letter आता है community nurse को, community health nurse को, या फिर सोशल वर्कर को. आप कभी भी देख लेना, या डिस्चार्ज पे एक लेटर आएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स और सोशल वर्कर. सबसे ज्यादा ये लेटर आता है नर्सिंग को, नहीं तो फिर डिस्चार्ज पे एक लेटर ही आता है. ये सबसे ज्यादा, जैसे इस बार क्वालिटी का पेपर जो हम बात कर रहे थे वो यही हुआ कि डिस्चार्ज बैक लेटर की जगह इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्स और सोशल वर्कर को तो भेजना ही होगा. तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स सेंटर को भेजना था या जिसको भी भेजना था, बस उनको क्या करवाना होता है? फॉलो अप केयर. क्योंकि हम जब पेशेंट को ठीक कर देते हैं तो पेशेंट को फॉलो अप केयर चाहिए. फॉलो अप केयर कौन देगा? या तो नर्सेज देंगे या सोशल वर्कर देंगे. इसलिए सबसे ज्यादा ये चांसेस होते हैं लेटर आने के, क्योंकि जब फॉलो अप केयर प्रोवाइड करनी है तो कौन देगा? यही लोग तो देंगे जो फॉलो अप केयर देते हैं, तो नर्सेज देते हैं या सोशल वर्कर देते हैं. इसलिए इसके चांसेस सबसे ज्यादा जब पेशेंट बेटर हो जाता है. जैसे इस बार बस फॉलो अप केयर की जगह उन्होंने लिख दिया रिस्पाइट केयर, जो हमने कल भी बात की थी. तो आपको बस फॉलो अप केयर की जगह रिस्पाइट, दैट द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू यू या ट्रांसफर टू योर सेंटर फॉर रिस्पाइट केयर. तो आपको यही लिखना था और कुछ नहीं. सो इट इज जस्ट द सेम लेटर. तो मैं आपको आज डिस्चार्ज प्लान लिखना सिखा देता हूँ. लास्ट पैराग्राफ होता है डिस्चार्ज प्लान. हम जिसको लेटर लिखे होते हैं उसको ये कहते हैं, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड, जो भी वहां पे पॉइंट दिया है. जैसे अगर उनको एजुकेट करना है तो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एजुकेट द पेशेंट. जो भी पॉइंट दिया रिगार्डिंग दिस एंड दिस, जो भी वहां पे पॉइंट दिया. तो पहली लाइन हम ये ऐसे बनाते हैं कि ये ग्रेटली अप्रिशिएट किया जाएगा आपके काम को अगर आप ऐसा कर दो. तो एक तो कहने का तरीका ही है. अब ये कोई पैटर्न नहीं है. ये सामने वाले बंदे को, कम्युनिटी नर्स को या सोशल वर्कर को कहने के अलग अलग तरीके हैं. तो सेकंड चीज, मैं उनको क्या कर सकता हूँ? काइंडली डू दिस थिंग फॉर मी. समझो कि एजुकेट वाली लाइन ही होती तो मैं काइंडली कहता काइंडली एजुकेट द पेशेंट. अगर ये एनकरेज वाली लाइन है तो मैं कहता काइंडली एनकरेज द पेशेंट. इसके बाद, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? इसके अलावा मैं पैसिव वॉइस बना सकता हूँ कि सामने वाले बंदे को ये कह सकता हूँ, द पेशेंट शुड बी गिवन दिस एंड दिस थिंग. क्योंकि वेरिएशन तो करनी है ना. मैं लगातार लिख दूं, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, इट वुड बी ग्रेटली, तो एग्जामिनर को लगेगा हमें इंग्लिश नहीं आती. तो इस कारण से हमें वेरिएशन करना होता है. लेकिन ये अलग अलग कहने के तरीके हैं. फॉलो हम डिस्चार्ज प्लान ही कर रहे हैं. तो द पेशेंट शुड बी गिवन दिस एंड दिस थिंग. ऑल्सो ही नीड्स टू बी गिवन दिस एंड दिस थिंग. एक तरीका ये भी तो है, शुड बी की जगह नीड्स टू बी. तो दो हो गए पैसिव वॉइस, एक हो गया काइंडली वाला और एक हो गया इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. इसके अलावा अगर आ जाए सर तो और क्या लिखें? तो लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू, अब जो भी लिखना चाहते हो, एनकरेज द पेशेंट, एजुकेट द पेशेंट, टू असिस्ट द पेशेंट, टू हेल्प द पेशेंट. तो ये भी एक आसान सेंटेंस बन सकता है. इसके अलावा अगर आ जाए तो लास्ट में लिख दो इट वुड ऑल्सो बी ऑफ ग्रेट हेल्प. ये भी एक लाइन यूज कर सकते हो. ये भी ग्रेट हेल्प होगा इफ यू कुड, अगर आप ये भी कर दो तो. इट वुड ऑल्सो बी ऑफ ग्रेट हेल्प इफ यू कुड डू दिस थिंग एज वेल. तो एज वेल पे खत्म करो कि ये लास्ट वर्ड होना चाहिए कि ये भी कर दो तो. अब ऑल्सो वर्ड एक रिपीट हो रहा है तो इसकी जगह लिख देते हैं फर्दर. इसके अलावा यहाँ पे भी ऑल्सो रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो अलोंग विद दिस. ये कोई पैटर्न नहीं है, ये बस एक अच्छा लिखने का तरीका है ताकि वेरिएशन हो. प्लीज इस बात को समझो. सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग दिस एंड दिस थिंग. काइंडली एनकरेज द पेशेंट फॉर दिस. द पेशेंट शुड बी गिवन पैसिव वॉइस. पेशेंट को ये देना दिता जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए. फर्दर ही नीड्स टू बी गिवन दिस एंड दिस थिंग. इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कर दो. तो हम ये सारी इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं सामने वाले बंदे को, हम कोई अलग काम नहीं कर रहे. दीज ऑल आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द सेम पर्सन,
बस वेरिएशन इंग्लिश के कारण कर रहे हैं, नहीं तो हम ये सारे सेंटेंस एक जैसे भी बना सकते थे, काइंडली डू दिस थिंग, काइंडली एजुकेट द पेशेंट, काइंडली एनकरेज द पेशेंट, काइंडली असिस्ट द पेशेंट, ये भी कर सकते थे, पर ये उसको हमारी इंग्लिश पुअर लगती, इसलिए हमें ये वेरिएशंस दिखानी पड़ती हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम सेम लिखे तो इसको प्लीज अलग मत समझो। डिस्चार्ज पेन का मतलब है अलग अलग कहने के तरीके, कि सामने वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्स या सोशल वर्कर को कहना है कि आप ये कर दो। अगर मैं आपको ये छोटा सा सैंपल लेटर, जो आज का हमारा एग्जाम्पल है, अगर मैं इसी लेटर को उठाऊं तो आप प्लीज समझो कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ये मेरे को पॉइंट्स दे रखे हैं डिस्चार्ज प्लान के, तो मैं इसको सैंपल को उठाता हूँ और यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ ये वाले पॉइंट्स कैसे होते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है। सो अगर मैं अपने वही वाली वर्डिंग को उठाता हूँ और यहाँ पे लिख के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ ताकि हमारे डिस्चार्ज प्लान रहे। सो मैं पॉइंट्स बनाना शुरू करता हूँ। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड मेंटेन ऑल द मेडिकेशंस एट करंट डोसेज अंटिल द फ्यूचर मेडिकल इंस्ट्रक्शन। ऑल्सो कीमोथेरेपी, ये वाला बना दो, नीड टू बी दे रखा है। ऑल्सो कीमोथेरेपी नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड बाई डॉक्टर सिंह एट द पेरी हॉस्पिटल एवरी वेंसडे एंड 2 PM विदाउट फेल। फर्दर फॉलो अप अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर सिंह इज ड्यू इन 3 वीक्स एंड इन केस ऑफ एनी ब्यूजिंग और न्यू सिम्टम्स कॉन्टेक्ट डॉक्टर सिंह एट पेरी हॉस्पिटल। इसको थोड़ा सिंपल भी बना सकते थे। कीमोथेरेपी नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड एट डॉक्टर सिंह एट पेरी हॉस्पिटल एंड ऑल्सो इफ देर इज एनी ब्रूजिंग और सिम्टम्स देन ऑल्सो डॉक्टर सिंह शुड बी कॉन्टेक्टेड। दोनों वहीं पे पूरे हो जाते हैं, शुड बी कॉन्टेक्टेड। फर्दर लीजा नीड्स टू कंटिन्यू इंजेक्टिव हर सेल्फ बट ऑलवेज अंडर द एडल्ट सुपरविजन एंड हाई प्रोटीन डाइट अलोंग विद लो GIT डाइट प्लान शुड बी फॉलोड। अलोंग विद दिस काइंडली नहीं यूज किया, एनरोल लीजा इन द स्पेशल सपोर्ट ग्रुप एट पेरी हॉस्पिटल एवरी ट्यूजडे एट 5 PM। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट लीजा हैज लॉस्ट हर हेयर आईब्रोज एंड डैशेज, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर हर दैट दीज विल ग्रो बैक एंड बाय दैट टाइम फाइंड अ कैप फॉर हर फॉर फर्स्ट वीक्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंस। प्लीज नोट लीजा विल रिटर्न टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, सो प्रिंसिपल शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड एक्सप्लेन्ड दैट शी विल बी टायर्ड समटाइम्स एंड ऑल्सो शी शुड बी एनकरेज टू कंटिन्यू आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज। सो दिस इज हाउ यू राइट द डिस्चार्ज प्लान। एंड वेन देर इज अ लेटर ऑफ डिस्चार्ज प्लान, तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि डिस्चार्ज प्लान का मतलब हम लेटर बेसिकली इसलिए लिख रहे हैं कि उसको फॉलो करवाएं। तो मेन पेशेंट की प्रॉब्लम बतानी होती है, तो कीमोथेरेपी की बात हो रही है तो इसको कोई ना कोई कैंसर होगा, तो ये बात बतानी जरूरी है। स्कूल गोइंग लड़की है तो उसका फर्स्ट नेम देना है बजाय कि सेकेंड नेम के, एंड दैट इज हाउ दिस लेटर विल गो। सो दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग मिस लीजा हु वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर दिस आफ्टर ट्रीटमेंट शी इज बेटर सो शी इज बिंग डिस्चार्ज बट शी नीड्स टू बी या बट शी नीड्स टू फॉलो द प्लान या डिस्चार्ज प्लान सो शी इज बिंग रेफर्ड टू यू। बस इतना सा लिखना है, किसको लेटर लिख रहे हैं उसके हिसाब से ये भी लिख देते हैं हम किसको लेटर लिख रहे हैं, तो इससे पता लग जाएगा। देखते हैं लेटर किसके लिए है। ये लेटर है, अच्छा ये तो पेरेंट्स को, लीजा के ग्रैंड पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हैं, तो ये तो बहुत ही स्पेशल लेटर है। तो जब आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां पे देखोगे लेटर टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, तो उसमें अलग से ये लेटर है डिस्चार्ज प्लान लेटर्स में। और ये तो और भी सिंपल हो गया, तो इसमें तो यही करना है, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड कि आप लीजा को ये दे दो। और इनके जब आप पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हो, तो कभी भी प्लीज याद रखना, कभी भी मेडिकल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री का नहीं बताना है, क्योंकि पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स को लिख रहे हो, उनको मेडिकल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री पता ही होगी। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उनको ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि आप कहोगे हमने ये किया, हमने क्यूरेटाज किया, हमने रिमूवल किया, सर्जिकल रिमूवल किया, उनको वो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। उनको ये भी नहीं बताना कि कौन सी मेडिकेशन दी है, बस उनको ये बताना है कि आपको मेडिकेशन फॉलो करनी है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हैं। देखिए दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लेटर ग्रैंड पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स को समझ ही नहीं आएगा अगर आप ऐसे नाम लोगे जैसे ये दे रखा है, इंसुडोल, कीमोथेरेपी, लिमेक्स, रेडिएशन थेरेपी, बैक्टीरियम, कैल्शियम सप्लीमेंट, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सब चीजें इंक्लूड नहीं करनी होती, तो बस ये बताना होता है कि इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू वुड कंटिन्यू द मेडिकेशंस। जब ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं तो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड लिख सकते हैं, नहीं तो फिर सीधा ही लिख सकते हो।
कि नाउ वी वुड लाइक टू गिव यू एडवाइजेस, तो ऐसे भी ये लेटर लिख सकते हो, फर्स्ट एडवाइस इज दिस, फर्स्ट एडवाइस इज दैट लीजा शुड बी गिवन दिस एंड दिस थिंग, आप ऐसे आराम से लिख सकते हो. ग्रैंड पेरेंट्स को तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, और जब फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन लिखोगे दिस लेटर इज बीइंग रिटन, तो मैं आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ लिख के दिखा देता हूँ. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर ग्रैंड डॉटर मिस लीजा हु वाज एडमिटेड फॉर दिस एंड दिस थिंग, नाउ शी इज बेटर. बिल्कुल सिंपल बात करो, नाउ शी इज बेटर सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज एंड यू आर एडवाइज्ड, ये लाइन सीखनी है, एंड यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हर स्पीडी रिकवरी. ये मेन लेटर टू ग्रैंड पेरेंट्स. सो प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मेरे को फॉरगिव कर देना, लेकिन अगेन प्लीज जो समझने की बात है वो समझो. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर ग्रैंड डॉटर मिस लीजा हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल, नाउ शी इज बेटर सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड and you are advised to follow few instructions at home for her speedy recovery. खत्म, बस इतना सा लिखना होता है. बाकी सेकंड पैराग्राफ में सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लिखोगे नहीं. अगर कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, as you know when she was admitted she was having this same problem so chemotherapy was performed, ऐसे एक लाइन बना सकते हो. इसके भी पॉइंट्स मिलेंगे जब आप as you know और so का यूज करते हो. as you know का मतलब कि जैसा कि आप जानते हो, एज यू नो व्हेन शी वाज एडमिटेड शी वाज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम सो कीमोथेरेपी. तो एज यू नो को कभी सो के बिना खत्म नहीं करना, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और हर बार बताता हूँ जब भी आप डिस्चार्ज बैक लेटर्स का मेरा एक अलग कॉलम बना हुआ है, तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़ना, प्लीज उसको सुनना, डिस्चार्ज बैक लेटर्स के कॉलम को, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. तो डिस्चार्ज बैक लेटर्स का मैंने अलग प्ले लिस्ट बना रखा है, तो प्लीज 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 फॉलो करना इसको. और इसमें जब डिस्चार्ज बैक लेटर्स में जाओगे तो ये लेटर भी पड़ा है हमारे यूट्यूब पेज पे, सो प्लीज उसको देखना. लेकिन आज की डेट में जो आपको सबसे ज्यादा सीखना है वो है कि डिस्चार्ज प्लान कैसे लिखते हैं. चलो ये तो बाय चांस ग्रैंड पेरेंट्स को लेटर हो गया, पर नॉर्मली नर्स को कैसे लिखते हैं, सोशल वर्कर को कैसे लिखते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स के लेटर के लिए भी आपको वरी नहीं करना, वही डिस्चार्ज बैक लेटर का मतलब यही है. आप बहुत सारे पढ़े होंगे, लीजा वाला लेटर भी पहले पढ़ा है मेरी प्ले लिस्ट में. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एज यू नो को सो के बिना खत्म नहीं करना, ये सब इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखे हैं 3 punches ऑफ डिस्चार्ज बैक लेटर. सो प्लीज इसको अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, और पेपर में आने के चांसेस मैंने बताया था डिस्चार्ज बैक लेटर के होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के होते हैं और सोशल वर्कर के होते हैं. सो और प्लीज डिस्चार्ज प्लान के इंस्ट्रक्शंस को बार बार सुनना, क्योंकि हमेशा ऐसे ही लिखना है. सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बी के एम इंस्टीट्यूट. सबका कॉन्टैक्ट नंबर इज 7696734256.